Hello students, today I am going to explain you your exercise 5.3. These are some word problems of fractions. First is, Ali read 1 by 8 of a book on Monday. Ali ne 1 by 8 part book ka Monday ko read kiya hai. Aur 1 by 4 part of book on Tuesday. Tuesday ko 1 by 4 part read kiya hai. And 1 by 2 of the book on Tuesday, Wednesday. और वेडनेसडे को उसने 1/2 पार्ट रीड किया है. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बुक डिड ही रीड ड्यूरिंग दीज थ्री डेज. इन तीन दिनों में कितने फ्रैक्शन ऑफ बुक उसने रीड किया है. स्टूडेंट्स इसमें हम ऐड करेंगे. स्टेटमेंट्स बहुत इजी है इसकी. पार्ट ऑफ बुक अली रीड ऑन मंडे, या तो आप पार्ट ऑफ बुक लग सकते हैं, आप बुक में क्वेश्चन में ही दे रखा आपको. फ्रैक्शन ऑफ द बुक, आप फ्रैक्शन ऑफ द बुक भी लिख सकते हैं. हम इन तीनों को ऐड करेंगे. एलसीएम बेटा 8 आ रहा है, और आप जिस तरीके से आपने लास्ट में ऐड किया था उसी तरीके से तीन पेयर बनेंगे इसमें, और आप एडिशन खुद करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सीमा वॉक्ड 1/8 ऑफ अ पार्क इन मॉर्निंग. सीमा ने 1/8 पार्ट उसने पार्क का वॉक किया मॉर्निंग में. एंड 5/16 पार्क 5/16 पोर्शन उसने इवनिंग में वॉक किया. हाउ मच पोर्शन ऑफ द पार्क डिड सीमा कवर. कितना पोर्शन सीमा ने पार्क का कवर किया था. ठीक है, तो स्टेटमेंट आप इसी के क्वेश्चन के जैसे ही बना देंगे. यहां पे पोर्शन दिया है तो आप पोर्शन ही लिख देंगे स्टेटमेंट में. स्टेटमेंट है बेटा, पोर्शन ऑफ अ पार्क सीमा वॉक्ड इन द मॉर्निंग. ठीक है, और पोर्शन ऑफ अ पार्क शी वॉक्ड इन द इवनिंग. अब हम दोनों को ऐड कर देंगे. ऐड करेंगे बेटा, आप देखिए इसमें 8 2 16 होता है, तो एलसीएम हम डायरेक्ट निकाल लेंगे. ठीक है, 8 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो 8 2 16 होता है, तो 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा. ठीक है, और न्यूमरेटर 5 मल्टीप्लाई आ जाएगा. 8 2 16 है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे. 16 1 16 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. नेक्स्ट है आपका, अन्नू हैड 2/3 डजन एग्स. अन्नू के पास इतने दर्जन एग हैं. ही यूज्ड 1/6 दर्जन एग टू बेक अ केक. उसने 1/6 डजन केक यूज कर लिया बेक करने के लिए. नाउ द क्वेश्चन इज, ये मेन क्वेश्चन होता है बेटा, इससे हमें पता चलता है कि ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द स्टोरी, ये स्टोरी है, और दिस इज द मेन क्वेश्चन. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डजन वाज ही लेफ्ट विद. कितने फ्रैक्शन ऑफ डजन उसके पास बच गए. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. इजी है स्टेटमेंट इसकी. लास्ट है स्टेटमेंट, फ्रैक्शन ऑफ अ डजन ही लेफ्ट विद, तो 2/3 - 1/6. इसमें भी आपका डायरेक्ट एलसीएम निकल जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है, तो 6 आपका एलसीएम आ जाएगा. ये डायरेक्ट एलसीएम निकालना आप याद रखिए. ठीक है, अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे. 2 - -1 - 1. ठीक है, अब 3 2 6 तो इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 6 1 6 तो इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके 2 2 = 4 - 1 1 = 1. 3/6 इज आवर आंसर. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है बेटा, राहुल बॉट 7 1/2 kg ऑफ राइस. राहुल इतने राइस लेकर के आया, और रीना बॉट 15/4 kg ऑफ राइस. रीना इतने राइस लेकर आई है.
क्वेश्चन है आपका, हु बॉट मोर राइस, कौन ज्यादा राइस लाया। पहले तो आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर बाय हाउ मच निकालना है, मींस माइनस करके निकालना है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, राहुल बॉट राइस, मिक्स को बेटा इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, 15/2 आ गया। रीना बॉट 15/4 है ही, तो बेटा आप देखिए इनके न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, तो जो छोटा डिनोमिनेटर है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, तो मतलब ये फ्रैक्शन बड़ा है, मींस राहुल बॉट मोर राइस। ध्यान से देख सुनिए, दोनों के न्यूमरेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर फ्रैक्शन विच हैज अ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज अ बिगर फ्रैक्शन, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा, ये फ्रैक्शन बड़ा है इसलिए राहुल बॉट मोर राइस, और फिर हम इन्हें माइनस कर देंगे। इसमें भी हमें एलसीएम नहीं निकालना क्योंकि 2 2 4 होता है, 4 इज आर एलसीएम। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर हम मिक्स फ्रैक्शन में देंगे, 3 3/4 केजी इज आवर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।